आपको मैं बता रहा हूँ कि ये कितने सवाल हैं पीपीएससी के, ठीक है जी। ये जितने भी पीपीएससी के थोड़े बहुत एक्सपर्ट हैं उनको पता होगा कि ये सारे के सारे जो हैं पीपीएससी के क्वेश्चन हैं। सबसे पहला जी क्वेश्चन क्या होता है जी कि नेम ऑफ अ डॉक्यूमेंट शोज ऑन वेयर, तो टाइटल बार, ये जी मैं आपको टाइटल बार थोड़ा सा मेंशन कर देता हूँ। ये जी टाइटल बार होता है आपका, ये आपका टाइटल बार, नेम ऑफ अ डॉक्यूमेंट इज शोज ऑन टाइटल बार, और टाइटल बार आपका ये होता है और इसके ऊपर डॉक्यूमेंट वन जी लिखा हुआ है। ये देखें जी डॉक्यूमेंट वन, यानी बाय डिफॉल्ट। अच्छा, बाय डिफॉल्ट का क्या मतलब है? बाय डिफॉल्ट का ये मतलब है कंपनी फिटेड, यानी जो एमएस वर्ड है इसने कंपनी की तरफ से जो इसमें आया है, अगर आप इसको डॉक्यूमेंट को कोई नाम ना दें तो वो एमएस वर्ड खुद से क्या नाम देता है, तो एमएस वर्ड खुद से जो है वो डॉक्यूमेंट वन नाम देता है। इसमें डिफरेंट ऑप्शन आते हैं, डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट वन, डॉक्यूमेंट टू, डॉक्यूमेंट थ्री, तो हो सकता है कि आप डॉक्यूमेंट लगा दें तो डॉक्यूमेंट वन। एक तो दो सवाल हो गए जी टाइटल बार के हवाले से, और तीसरे नंबर पर जो है ना, अब ये जो होम लिखा हुआ है, ये जो होम इंसर्ट लिखा हुआ है, ये जो पेज लेआउट लिखा हुआ है, ये जो रेफरेंस लिखा हुआ है, एक तो इसका जी आप फार्मूला लिख लें HIP, ठीक है जी, RMRV, 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 HIP, HIP, RMRV, ये आपने इसका जो है ना लाजमी इस चीज को इस तरीके से, ये आपको, इनको कहते क्या हैं, इनको कहते हैं जो है ना टैब्स भी कहते हैं और मेन्यू बार भी कहते हैं। इनको क्या कहते हैं जी? टैब भी कहते हैं और मेन्यू बार भी कहते हैं, ठीक है जी। ये कितने होते हैं जी? दो, दो चार, दो छः और एक सात, ठीक है जी। और ये फाइल भी, इसको भी टैब ही कहते हैं, ठीक है जी। लेकिन ये आप, यानी इसको बैक स्टेज व्यू भी कहते हैं, जब इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं, तो इस चीज को आप थोड़ा सा देखेंगे। मैं रिपीट कर देता हूँ जी, एमएस वर्ड ऑफिस करते हुए, एमएस वर्ड करते हुए हमेशा एक तो कंप्यूटर को सामने रखना है, और दूसरे नंबर पर ये है कि वो जो है ना उसको कंप्यूटर को सिर्फ और सिर्फ आधा घंटा दे देना है, चीजों को यूज टू करना है अपने साथ। अच्छा जी, अब इसमें जो है ना बाय डिफॉल्ट जो है डॉक्यूमेंट वन होता है ओपन, और ये जो है ये वाली जगह, इस जगह को कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। ये क्विक एक्सेस टूल बार होता क्या है, यानी आप जो डॉक्यूमेंट में जो चीजें ऐड कर रहे होते हो, जो चीजें बार बार आप कर रहे होते हो, कॉपी कर रहे होते हो, पेस्ट कर रहे होते हो, सेव कर रहे होते हो, तो वो आप चाहोगे कि वो यार ऊपर ऊपर पड़ी हुई हो, तो इसलिए जो है ना आप यहाँ पर ये जो जब बटन है इसके ऊपर क्लिक करके इसमें चीजों को ऐड कर सकते हो, ठीक है जी। इसका फॉर्मूला है HIP RMRV, मेन्यू बार का याद रखने का फॉर्मूला HIP RMRV। तो एच से बन गया होम, आई से बन गया इंसर्ट, और इंसर्ट भी पढ़ते हैं लोग, और पेज, पी से बन गया पेज लेआउट, और आर से बन गया रेफरेंस, और एम से बन गया मेलिंग, और आर से बन गया फिर रिव्यू, और फिर व्यू, वी से बन गया व्यू। तो ये हो गया जी। अब इसको आप सारे ऊपर वाले को क्या कहते हो जी? टाइटल बार, ठीक है जी। ये ऊपर जहां पर नेम ऑफ डॉक्यूमेंट होता है, क्विक एक्सेस टूल बार, और ये इन सबको क्या कहते हैं जी? इन सबको कहते हैं टैब या मेन्यू बार, टैब्स कहते हैं या मेन्यू बार कहते हैं। और ये जो आपका ये लिखा हुआ है क्लिप बोर्ड, ये क्लिप बोर्ड, इस क्लिप बोर्ड जो लिखा हुआ है इसे कहते हैं ग्रुप। इसको क्या कहते हैं जी? ग्रुप, ठीक है जी। इसको कहते हैं ग्रुप, ये फॉन्ट ग्रुप, इसको कहते हैं ग्रुप, पैराग्राफ ग्रुप। अब जी आपका ये जो तस्वीर में ऑन है इस टाइम पर, इस टाइम पर आपका होम टैब ऑन है, और होम टैब में कितने ग्रुप हैं जी? होम टैब के अंदर एक, दो और ये तीन ग्रुप्स हैं जी, इनको क्या कहते हैं जी? ग्रुप्स, ठीक है जी। उसके बाद ये जो इनके अंदर लगी हुई है इनको कहते हैं जी कमांड्स, इनको क्या कहते हैं जी? कमांड्स। ये सारी की सारी कमांड्स हैं, ये होम टैब की कमांड्स हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं जी पीपीएससी में, इनको लाजमी। और ये जो एक, ये आपको ये देखें, ये जहां पर उसने शो भी किया, वैसे कहते हैं डायलॉग बॉक्स लॉन्चर। तो ये क्या होता है अभी हम इसको रियल व्यू में भी देख लेंगे इंशाल्लाह, तो आपको समझ आ जाएगा। अच्छा, तो ये इसी से बहुत सारे सवाल बने हुए हैं, ठीक है जी। पीपीएससी के बहुत सारे क्वेश्चन इधर से बने हुए हैं। अच्छा जी, उसके बाद ये जो नीचे वाला एरिया है,
इस नीचे वाले एरिए को क्या कहते हैं जी, ये जहां पर ये मैं इसको कहते हैं स्टेटस बार। अच्छा, इस स्टेटस बार पर क्या होते हैं, सबसे पहले तो पेजेस होते हैं जी, वन पेज है जी, वन वर्ड काउंट होता है कि कितने वर्ड लिखे हुए। उसके बाद जी लैंग्वेज होती है जी, उसके बाद जी लैंग्वेज होती है, उसके बाद ये होते हैं इसके अंदर पांच व्यूज, पांच तरह के व्यूज होते हैं एमएस वर्ड के अंदर, पांच तरह के व्यूज। और ये होता है आपका जूम कंट्रोल, ठीक है जी। ये आपका क्या होता है जूम, आप कितना कर सकते हो जी, क्या है, तो ये बात आप पहले ही देख लें कि एमएस वर्ड में 500 होता है जूम, ठीक है जी, जो जूम वैसे होता है, और बाकी एमएस वर्ड के अलावा बाकी सब में 400 होता है जूम। तो ये जी कुछ ये इसका, इसको इस तमाम को क्या कहते हैं, ये जो तमाम सारा लिखा हुआ है, इस तमाम को कहते हैं इंटरफेस, इस तमाम को कहते हैं इंटरफेस, ठीक है जी। तो ये बेसिक से क्वेश्चंस हैं, तो ये आपको पता होने चाहिए कि भी इसमें कौन कौन सी चीजें होती हैं। अब हम थोड़ा सा इसमें मजीद जो है ना, मैं आपको ये थोड़ा सा, आप अगर ये देखें जी, ये ऊपर जो है ना, ये आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं, ठीक है जी। और ये आपका, ये देखें जी, ये आपका स्टेटस बार, व्यू बटन, जूम कंट्रोल, और ये सारी चीजें, और ये व्यूज होते हैं, ठीक है जी। तो ये तस्वीर जो है ना, आपको एक बहुत बेहतरीन वेबसाइट है, तो अगर आप जो आप में से ज्यादा एफर्ट करना चाहते हैं इसके ऊपर, तो tutorialpoint.com, तो वहां से आप जो है, बहुत जबरदस्त किस्म का वेबसाइट है ये, तो उसमें आप हर चीज को सीख सकते हैं उस वेबसाइट से, नोट्स भी वहां पर अवेलेबल हैं हर चीज के। तो आपका ये हो गया जी। उसके बाद अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं आपका वर्ड का, ठीक है जी। आपका ये वर्ड का जी इंटरफेस रियल टाइम में आ गया, ये आपका रियल टाइम में वर्ड का इंटरफेस आ गया। इसके साथ एक तो आपने जो है जुड़े रहना है। अब मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि कॉन्सेप्ट क्या है। अब जी होम टैब खुला हुआ है, चलो जी मैं इंसर्ट खोल देता हूँ, ये हम इसको स्पॉटलाइट कर लेते हैं, ये जी मैं आपका इंसर्ट खोल देता हूँ, इंसर्ट टैब। अब देखें होम टैब नहीं है ना सामने, होम टैब नहीं है, मैं आपको अभी भी होम टैब के बता सकता हूँ। देखें होम टैब में ऐसे पता होना चाहिए आपको टैब्स, क्योंकि बहुत बारी पूछे हुए हैं और बहुत बारी जो है ना ये आते हैं आपके होम टैब में, कट होता है इस जगह पर, कट होता है इस जगह पर, जो है ना कॉपी होता है इस जगह, फॉर्मेट पेंटर होता है इस जगह, पेस्ट होता है और पेस्ट के अंदर पेस्ट स्पेशल होता है, ठीक है जी। इस तरफ आपका फॉन्ट का जो है वो होता है ग्रुप, ठीक है जी, और फॉन्ट के ग्रुप के अंदर जो है ना इस तरफ क्या होता है जी, फॉन्ट जो है टाइप होती है, इसके साथ फॉन्ट साइज होता है, इस तरफ जो है सुपरस्क्रिप्ट होता है। सब ऐसे याद करने की आपने प्रैक्टिस बनानी है अपनी, ठीक है। आपको बगैर जो है सामने आए हुए चीजें आपको ऐसे ही याद हो, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले नंबर पर तो मेरी ये आपको रिकमेंडेशन है कि आपने इसको लाजमी जो है ना इस तरीके से करने की कोशिश करनी है। तो अब जी हम अपने सबसे पहले तो ये आपके जो क्वेश्चन थे बेसिक, ये क्लियर हो गए। अब आपने देखना है जी, अब मैं दोबारा होम टैब में आ जाता हूँ। तो जी ये जो है ना आपका क्या है कि ये डिफॉल्ट, सबसे पहले बाय डिफॉल्ट ये, इसके अंदर मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने क्या किया है वर्ड को दो तरह के खोलने के तरीके हैं। अब यहाँ पर मैं एक चीज लिखता हूँ, आपको नजर आए अगर, फॉन्ट साइज थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं हम, ये जो है हम कर लेते हैं 20, ठीक है जी, मैंने 20 फॉन्ट साइज कर लिया, और थोड़ा सा इसको बोल्ड भी कर लेता हूँ, ठीक है जी। अब मैं बोल्ड में लिखूंगा और फॉन्ट साइज भी मेरा जो है इंक्रीज है, बोल्ड तो खैर वो अच्छा जी। अब इसमें आपका क्या होगा, देखें एक चीज होगी कि एक होती है आपकी कमांड CTRL, ठीक है जी, और प्लस में जो है F4, एक ये कमांड होती है, और एक कमांड होती है आपकी Alt+F4, ठीक है जी, F4। ये इन दोनों कमांड्स के ऊपर क्या फर्क है, ये PPSC में बहुत बार आया हुआ है, तो इसको जो याद रखने का फॉर्मूला क्या है, A C, ए सी से क्या बन गया जी, ए से बन गया एक्टिव, और ए से बन गया आपका एक्टिव, और सी से बन गया करंट। अब क्या मतलब जी, जब भी वो पूछेगा कि आपने एक्टिव विंडो क्लोज करनी है, एक्टिव विंडो
ये देखें, एक है आपकी, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो ये यहाँ पर मेरी ये जा रही है, ये मेरा यहाँ पर स्पॉट मेरा हो रहा है, ये सारा एरिया इसको कहते हैं एक्टिव विंडो। एक है ये वाली विंडो, ऊपर वाली विंडो, ऊपर वाली विंडो मेन विंडो कहलाती है, और वो मेन विंडो, ये मेन विंडो, ऊपर वाली विंडो मेन विंडो कहलाती है। इसके अंदर जो है ना, ये कौन सी है जी, इसके अंदर ये एक्टिव विंडो है, ठीक है जी, एक्टिव विंडो है, या इसको करंट विंडो भी कहते हैं, ठीक है जी। और जहां पर Alt F4 का जिक्र आ गया, Alt, इसको कहते हैं सेलेक्टेड विंडो। इसको क्या कहते हैं? सेलेक्टेड विंडो, सेलेक्टेड विंडो, ये है सेलेक्टेड विंडो। अब देखें, मैं आपको करके दिखाऊंगा। अब आपका जो है, इसका हम मिटा देते हैं, इसको हम सारे को मिटा देते हैं। आपने स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिएगा। एक्टिव AC से जा कर सकते हैं, अल्टरनेटिंग करंट। अब देखें, मैं कंट्रोल F4 दबाऊंगा, देखिएगा क्या होगा, ठीक है जी। इसको हम डोंट सेव कर देते हैं, क्या बंद होगा देखिएगा। अब क्या बंद होगा? वर्ड की विंडो खुली रही है, सिर्फ और सिर्फ अंदर वाली जो एक्टिव विंडो थी वो बंद हुई है, सिर्फ और सिर्फ अंदर वाली एक्टिव विंडो बंद हुई है। अब मैं दोबारा यहां से क्या कर सकता हूँ, जो है आपका जो है न्यू डॉक्यूमेंट मैं दोबारा ओपन कर सकता हूँ, ठीक है जी, न्यू डॉक्यूमेंट दोबारा ओपन कर सकता हूँ। यानी वो क्या करती है, एक्टिव। अब अगर इसके पैरेलल में मैं Alt F4 दबाऊंगा, तो अब देखिएगा क्या होगा जी, Alt F4 से आपका क्या होगा, आपका पूरा वर्ड ही बंद हो गया, ठीक है जी। आपकी एक्टिव विंडो बंद नहीं हुई, आपकी सेलेक्टेड विंडो बंद हो गई है, ठीक है जी। तो ये कंफ्यूजन होती है बहुत ज्यादा, क्लियर हो गई होगी आई थिंक आपकी कंफ्यूजन। तो एक्टिव और करंट विंडो, और ये बहुत बार क्वेश्चन भी आया हुआ है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो अब जी हम थोड़ा सा देख लेते हैं, जो है ना, दोबारा हम MS Word को ओपन कर लेते हैं। अच्छा, MS Word को ओपन करने का एक और तरीका जी, कौन सा तरीका? एक आप रन कमांड जो होती है आपके कंप्यूटर में होती है, और उसको लाने का तरीका क्या होता है, विंडो और R का बटन, विंडो और R का बटन। ये देखें जी, ये आपकी आ गई रन कमांड। तो अब जो होती है वर्ड को लॉन्च करने का तरीका होता है winword.exe, और ये exe जो है, ये इसकी वो क्या है, ये इसकी एक्सटेंशन है। तो जैसे ही मैं दबाऊंगा, देखें ये आपका खुद ब खुद वर्ड ओपन हो गया। तो विन वर्ड, वर्ड को ओपन करने का एक तो सीधा तरीका है कि आप वो कर लो, एक स्टार्ट जो रन कमांड है उसके जरिए से भी आपका वर्ड ओपन हो सकता है। तो अब जी हम आगे चलते हैं। तो जी, एक तो आपको रिबन का कैसे पता होना चाहिए जी, होम टैब के अंदर कौन कौन से कट का रिबन है, कॉपी का रिबन है, फॉर्मेट प्रिंटर का रिबन है, पेस्ट का रिबन है, कैलिबरी फॉन्ट इसमें बाय डिफॉल्ट होता है, और जो है 11 साइज होता है। ये सारा जो है ना, होम टैब के अंदर जितने भी ऑप्शन हैं, ये सारे आपको याद होने चाहिए। उसके बाद इंसर्ट टैब के अंदर जितने भी ऑप्शन है, ये सारे आपको याद होने चाहिए, ठीक है जी। उसके बाद डिजाइन टैब में जितने भी ऑप्शन है, ये सारे आपको याद होने चाहिए। उसके बाद पेज लेआउट में जितने भी ऑप्शन हैं, ये सारे आपको याद होने चाहिए। तो ये साथ के साथ जितने भी टैब्स हैं, इन टैब्स के ऑप्शंस जो हैं वो आपको याद होने चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो आ जाते हैं। तो इसमें पड़े हैं मेरे पास, आप ऐसे अगर उनको रट्टा फिर दोबारा मारना चाहते हैं, आपकी मर्जी है। मैं तो सर आपको बहुत ज्यादा मना कर रहा हूँ कि ना करें, सिर्फ और सिर्फ आधा घंटा कर लें, आधा घंटा खोल कर डेली सिर्फ और सिर्फ 5 दिन की भी रूटीन रख लें, ये सारे टैब्स आपको याद हो जाएंगे। 100% बात है, अद्भुता बात है, ये आपको याद हो जानी है हर चीज। अब हम आगे चलते हैं जी। तो कट का तो आपको पता है, कट की आपकी कमांड क्या होती है जी, कंट्रोल सी, और कॉपी की आपकी कमांड क्या होती है, कंट्रोल वी। अब जहां तक है फॉर्मेट पेंटर की बात, तो ये फॉर्मेट पेंटर क्या करता है, अब हम कोई एक अपना पैराग्राफ ले आते हैं जी, कंट्रोल एक्स, सॉरी, हाँ ये जी हम कर लेते हैं, कट के लिए कंट्रोल सी, कट के लिए कंट्रोल एक्स, सॉरी कंट्रोल एक्स, और कॉपी के लिए कंट्रोल सी, और पेस्ट के लिए कंट्रोल वी, ठीक है जी, और फॉर्मेट पेंटर के लिए कंट्रोल शिफ्ट और सी, ठीक है जी, फॉर्मेट एफ, सॉरी ये अभी आ जाइए, कंट्रोल शिफ्ट और वी, सॉरी कंट्रोल शिफ्ट और सी भी होता है, और कंट्रोल शिफ्ट और वी भी होता है, ठीक है जी। दोनों कमांड इसके लिए आप देख सकते हैं, ठीक है जी। तो अब आपकी बात आ जाती है कि ये आपने, मैंने एक कमांड होती है इसके अंदर, बाय डिफॉल्ट कमांड होती है। तो अब देखें जी, बाय डिफॉल्ट आपका फॉन्ट कौन सा होता है,
इसे कहते हैं फॉन्ट टाइप। ये इसकी क्या, ये क्या है जी, फॉन्ट टाइप, और ये क्या है जी, फॉन्ट साइज। ठीक है जी। अब देखें यहां पर फॉन्ट टाइप की क्या कमांड है, कंट्रोल शिफ्ट एफ, और कंट्रोल साइज की क्या कमांड है, कंट्रोल शिफ्ट और पी, और ये दोनों चीजें पेपर में आई हुई। ठीक है जी। अब ये इससे होता क्या है, ये देखें, ये आपका डायलॉग लॉन्चर बॉक्स क्या करता है, ये मैं दो दो बार क्लिक करूंगा तो आपका क्लिप बोर्ड ओपन हो गया। ये देखें जी, क्लिप बोर्ड अब ओपन हो गया। ये अब मैं इसका फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करूं, ये देखें जी फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। अब इस फॉन्ट डायलॉग, इसको कहते हैं जी फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, ये पूरा का पूरा फॉन्ट डायलॉग बॉक्स है, और इसकी कमांड क्या होती है फॉन्ट डायलॉग बॉक्स की, कंट्रोल और डी। ये कंट्रोल और डी दबाया तो आपका फॉन्ट डायलॉग बॉक्स आ गया, डन हो गया। अब एस्केप का बटन दबाकर खत्म कर दिया। अब इसमें होता यह है कि अब मैं दबा रहा हूं कंट्रोल शिफ्ट और पी, देखें वही खुला है, लेकिन यहां पर देखें ये हाईलाइट हुआ हुआ है, ये देख रहे हैं 11 हाईलाइट हुआ हुआ है। अब इसको मैं दोबारा काटता हूं, और अब मैं दबाऊंगा कंट्रोल शिफ्ट और एफ। अब देखें अब वो 11 हाईलाइट नहीं हुआ हुआ, बल्कि बॉडी जो टाइप है वो हाईलाइट हुई हुई है। ठीक है जी। तो इस तरीके से आप जो है वो लाजमी ये वाले क्वेश्चन जो है, मेरा ख्याल है आपका क्लियर हो गया होगा कि भाई एक है फॉन्ट टाइप की कमांड है और एक है फॉन्ट साइज की कमांड। ठीक है जी। तो ये दोनों चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी। और अब यहाँ से आगे आप, आपका जो बाय डिफॉल्ट फॉन्ट टाइप होती है वो क्या होती है जी, कैलिबरी, और आपकी जो बाय डिफॉल्ट जो फॉन्ट साइज होता है वो कितना होता है जी, 11 होता है। और ये जो आपकी फॉन्ट विंडो है, ये फॉन्ट साइज विंडो है, इसमें जो मिनिमम फॉन्ट अवेलेबल होता है वो होता है 8। मिनिमम कितना फॉन्ट अवेलेबल है, 8, और इस विंडो में मैक्सिमम कितना फॉन्ट अवेलेबल है, 72। ठीक है जी। और आप मैनुअली कितना डाल सकते हो, मैनुअली, मैनुअली मैं मिनिमम डाल सकता हूं 1। ठीक है जी। मिनिमम मैनुअली कितना डाल सकता हूं, 1, और मैक्सिमम कितना डाल सकता हूं, मैक्सिमम में डाल सकता हूँ 1638, 1638। देखें जी मैं डालता हूँ, ये हो गया, डल गया। अब कंट्रोल जेड दबा के इसे कर देता हूँ। उसके बाद अब देख 1639 डाल के देखता हूँ, 1639। क्या कहा, द नंबर मस्ट बी बिटवीन 1 एंड 1638, यानी मिनिमम जो मैन्युअली आप डाल सकते हो वो आप 1 से लेकर 1638 तक डाल सकते हो जनाब। ठीक है जी। तो ये आपके बहुत सारे इसमें से क्वेश्चन बनते हैं और कंफ्यूज करते हैं। तो यही है जी, जब आप सिर्फ और सिर्फ जो है ना नोट से देखोगे तो फिर आप जो है ना उसको रट्टे ही मारने की कोशिश करोगे, ये क्या है, ये क्यों है, ये कैसे है, फिर कंफ्यूजन कंफ्यूजन। अब अगर आप लोगों में से जिसके पास भी विंडो में कितना अवेलेबल है, 8 से 72, मैनुअली कितना डाल सकते हो, 1 से 1638। ठीक है जी। और बाय डिफॉल्ट कितना होता है, 11। ठीक है जी। ये सारी चीजें आपकी आई थिंक क्लियर हो गई होंगी इसके मुतल्लिक। अब बात आ जाती है आपकी सुपर स्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट। ये जी दो कमांड हैं, ये कमांड है जी। सुपर स्क्रिप्ट की क्या कमांड है, कंट्रोल प्लस इज इक्वल टू। सबस्क्रिप्ट की क्या कमांड है जी, SUB, सब। सबस्क्रिप्ट की कमांड है कंट्रोल प्लस इज इक्वल टू, और सुपर स्क्रिप्ट की क्या कमांड है, सुपर स्क्रिप्ट की कमांड है सर जी कंट्रोल शिफ्ट प्लस इज इक्वल टू। ये भी आप कर सकते हो। आप अपना अगर जिनके पास लैपटॉप है वो देखें कि वो इज इक्वल टू के बटन के ऊपर प्लस का साइन है, तो आपको असल में ये भी कमांड है वही, लेकिन आपने दबाना प्लस का बटन है तो उसके लिए आपको शिफ्ट दबाना पड़ता है, बस उतनी इतनी सी बात है। और सबस्क्रिप्ट क्या होता है, जब पावर नीचे लिखी होती है उसे सबस्क्रिप्ट कहते हैं, और जब पावर ऊपर लिखी होती है उसे क्या कहते हो आप, जो है आप उसे सुपर स्क्रिप्ट कहते हो। कंट्रोल शिफ्ट प्लस, दबा रहे तो आप प्लस हो, आप प्लस दबाने के लिए शिफ्ट दबा रहे हो। आप कंट्रोल प्लस प्लस भी कर सकते हो इसकी कमांड को, लेकिन अब जो ऑप्शन अवेलेबल होते हैं वो क्या होते हैं, कंट्रोल शिफ्ट प्लस। ठीक है जी। ये अगर ऑप्शन होगा तो आप ये लगाओगे, इज इक्वल टू का ऑप्शन होगा तो इज इक्वल टू भी लगा सकते हो, दोनों चीजें लगा सकते हो। अब जी आपका आगे बात, अब मैं कहता हूं ये मेरे पास एक जो है ना वो था पैराग्राफ। अब मैंने फॉर्मेट पेंटर को जो है वो करना है इसके अंदर एक्टिव। अब मैं कहता हूं इसका जो है ना मैं कलर कर देता हूं रेड। ठीक
ठीक है जी। अब मैं चाहता हूँ यार ये मुझे बार बार करना पड़ता है, मैं इसको जो है ना इस तमाम का कलर जो है ना मैं दोबारा से करूँ, सिलेक्ट करूँ, मैं फॉर्मेट पेंटर के ऊपर क्लिक करता हूँ ठीक है जी, और इस सारे को सिलेक्ट करता हूँ। अब देखिएगा क्या होगा जी, इसका सारे का कलर क्या हो जाएगा जी। एक सेकंड, अच्छा वो पहले कॉपी, उसके ऊपर क्लिक करके कॉपी करके उसको फिर करना पड़ता है। इसको कॉपी करूंगा मैं और ये फॉर्मेट पेंटर के ऊपर मैंने वो कर लिया। अब मैं जैसे ही इसको करूंगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, रेड हो गया ये भी। यानी जिसको आप सेलेक्ट करोगे, फॉर्मेट पेंटर क्या करता है, जो फॉर्मेट ऑफ अ टेक्स्ट होता है, अब ये मेरी बात गौर से लिखी सुनिएगा, फॉर्मेट ऑफ द टेक्स्ट, फॉर्मेट से मुराद बैकग्राउंड कलर नहीं होता, फॉर्मेट ऑफ टेक्स्ट से मुराद बैकग्राउंड कलर नहीं होता, ये है टेक्स्ट फॉर्मेट। ये आपके टेक्स्ट को, जो आपका फॉन्ट है उसके कलर को चेंज करेगा, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ आपके बैकग्राउंड के कलर को चेंज करेगा। आपका जो टेक्स्ट है उसको हाईलाइट, यानी जैसे ही मैं ये दबाऊंगा देखिएगा आपका जो है पीछे, ये देखें इसने आपके कलर को रेड ही रहने दिया है लेकिन बैकग्राउंड को क्या कर दिया है, येलो कर दिया है ठीक है जी। अब इसको अगर मैं ब्लैक कर दूं, अगर मैं इसको ब्लैक कर दूं, कंट्रोल जेड कर देते हैं, अगर मैं इसको देखें जी मैंने सारे को ब्लैक कर दिया, अब मैं इनको करता हूं देखिएगा, अगर मैं आपका ये हाईलाइट करता हूं, ये हाईलाइट है और ये क्या है, ये आपका फॉन्ट के कलर को, जो आपका टेक्स्ट है टेक्स्ट के कलर को, टेक्स्ट की बात लाजमी याद रखिएगा, इसीलिए ये आपका क्या होगा, टेक्स्ट इफेक्ट होगा ये आपका ठीक है जी, ये आपका टेक्स्ट इफेक्ट होगा, फॉन्ट इफेक्ट होगा ठीक है जी, और ये आपका फॉन्ट इफेक्ट नहीं होगा। इसने आपके फॉन्ट के ऊपर कोई कलर नहीं डाला, ये सिर्फ और सिर्फ आपका बैकग्राउंड कलर चेंज कर रहा है, फॉन्ट का जो बैकग्राउंड पे कलर है उसको तब्दील कर रहा है, ये आपके फॉन्ट के कलर को तब्दील नहीं कर रहा। आपके फॉन्ट को कलर को कौन तब्दील करता है, ये ठीक है जी। इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करके अब हम मैं करूंगा तो देखिएगा रेड हो जाएगा, ये रेड हो गया जी। तो ये सारे कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन है, एक बार ही सर इनको टाइम लगाकर प्लीज काइंडली ऐसे क्लियर क्लियर करें इसको सबको। आज जितने भी होते हैं मैं इंशाल्लाह कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जो है मैक्सिमम क्लियर करा दूं। अच्छा अब ये जो है आपकी कमांड, ये वाली, ये एक स्पेसिफिक कमांड है और इसमें एक है देखें, अब सबसे पहले ना आप कंट्रोल हम जेड दबा देते हैं आपका। अब देखें ऐसे रखें, यहां पर कर्सर को यहां पर रखें, राइट जो आपकी राइट एरो की है दबाएं, वन लेटर लेफ्ट और राइट, आपकी राइट एरो की क्या करती है, वन लेटर, वन लेटर। अब मैं कंट्रोल साथ दबाकर आपकी राइट एरो की दबाऊंगा, देखिएगा क्या होगा, वन वर्ड, वीडियो का एक वर्ड है और वीडियो के वर्ड के आगे चली गई ठीक है जी, और मैं बैक अगर दबाऊंगा एरो की तो वापस चली जाएगी। अब मैं इसके साथ क्या करता हूं, अब मैं करता हूं एंड की दबा देता हूं, एंड लाइन के एंड पर चला गया, किसके एंड पर चला गया जी, लाइन के एंड पर चला गया। अब मैं होम की दबाता हूं, होम की दबाऊंगा लाइन के वापस शुरू में आ जाएगा। अब ये है सिर्फ और सिर्फ कर्सर को, अब मैं चाहता हूं साथ में मेरी सिलेक्शन भी होती रहे, साथ में मेरी सिलेक्शन भी होती रहे, तो बस मैं शिफ्ट का की दबा दूंगा, शिफ्ट दबाकर राइट एरो दबाऊंगा वन लेटर ठीक है जी, शिफ्ट दबाकर वन, राइट एरो दबाऊंगा वन लेटर, कंट्रोल दबा के कर दूंगा तो वन वर्ड ठीक है जी, वन वर्ड, और अगर फॉर एग्जाम्पल शिफ्ट दबाकर एंड दबा दूंगा तो वन लाइन, डन हो गया जी। ये सारे क्वेश्चन हैं जी, सारे क्वेश्चन है, और उसके बाद अगर फॉर एग्जाम्पल मैं जो है वो कर दूं कंट्रोल शिफ्ट, अब मैं इसको वापस ले जाता हूँ, मैं वापस ले जाता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो, कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो, डाउन एरो क्या करेगा, आपका एक पैराग्राफ जो है वो सिलेक्ट कर देगा। ये सारे आप जो है ना अब लिखने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस करने की जरूरत है, इन सबको आप प्रैक्टिस कीजिए। ये क्वेश्चन है जी, ये वन पैराग्राफ सेलेक्ट करने के लिए क्या करता है जी ठीक है जी, वन जो है पेज सेलेक्ट करने के लिए क्या करेगा जी, वन जो है पूरा डॉक्यूमेंट करने के लिए क्या कमांड है जी। तो ये आप यहां से शुरू करें हमेशा कि मेरा कर्सर राइट करने से ये हो जाएगा, डाउन करने से नीचे चला जाएगा, अप करने से ऊपर चला जाएगा, बस फिर इसके बाद शिफ्ट को ऐड करें, कंट्रोल को ऐड करें ठीक है जी, आपकी चीजें इंशाल्लाह क्लियर होती जाएंगी। सिलेक्शन के लिए आपका शिफ्ट की यूज होती है, और ये जो है आपका ये क्या है जी, स्ट्राइक थ्रू, इसको क्या कहते हैं, स्ट्राइक थ्रू, स्ट्राइक थ्रू क्या करता है,
स्ट्राइक थ्रू की कमांड क्या करती है आपके टेक्स्ट को, ये देखें जी लाइन लगा दी इसमें स्ट्राइक थ्रू ने, ठीक है जी, आपके फॉन्ट के ऊपर ये आपके लाइन लगा दी, ठीक है जी, तो आपके पूरे इसको स्ट्राइक थ्रू कर दिया आपके, और इसे डबल स्ट्राइक थ्रू भी आप कर सकते हो। ये कहां पर आपका फॉन्ट डायलॉग के अंदर ऑप्शन होगा, ये देखें जी डबल स्ट्राइक थ्रू, ये डबल हो जाएगा जी, ओके कर दिया, ये देखें डबल हो गया, ठीक है जी। तो डबल स्ट्राइक थ्रू का भी ऑप्शन आपके पास फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में अवेलेबल है, ठीक है जी। तो आपके पास ये भी है कि कौन कौन से होते हैं आपके पास, स्मॉल कैप्स होते हैं, ऑल कैप्स होते हैं, और आपके पास हिडन होते हैं। अब जी आपका ड्रॉप कैप वो भी आता है, ड्रॉप कैप भी, अब मैं इसको कंट्रोल जेड कर देता हूँ। अच्छा, अब उसके बाद जी जो है ना, मेरा ख्याल है ये आपकी जो है पेस्ट जो है ये सिंपल पेस्ट करेगा कंट्रोल वी। अब पेस्ट स्पेशल क्या करता है, इसके अंदर एक कमांड है पेस्ट स्पेशल, ठीक है जी। ये पेस्ट स्पेशल आपकी क्या करती है, पेस्ट स्पेशल आपकी जो है जब आपका क्लिपबोर्ड खुला होता है ना, ये देखें आपका क्लिपबोर्ड खुला हुआ है, मैंने ये इसको यहाँ पर करके ये इतनी सी लाइन को मैंने क्या कर लिया जी, कंट्रोल सी कॉपी कर लिया, ये यहाँ पर आ गया, वीडियो प्रोवाइड्स अ पावरफुल वे। अब देखें मैं इसको क्लिक करता हूँ, इसको मैं क्लिक करता हूँ, ये कितना लिखा, एक बारी दो बारी। तो पेज स्पेशल की कमांड ने क्या कर दिया, पेज स्पेशल की कमांड ने इसको दो बारी कर दिया, ठीक है जी, पेज स्पेशल की कमांड ने इसको दो बारी कर दिया, यानी डबल जो है ना करने के लिए जो है ना हम, वरना क्लिप बोर्ड आपका किस लिए होता है, क्लिप बोर्ड आपका कट पेस्ट कॉपी के लिए यूज होता है, ठीक है जी, कट कॉपी पेस्ट के लिए आपका क्लिप बोर्ड यूज होता है, ठीक है जी। तो ये आपका दोबारा हम इसको वापस ले जाते हैं, पेस्ट और पेस्ट स्पेशल को भी आपने उसका, अच्छा उसके बाद आपके बुलेट्स कहाँ पर अवेलेबल होते हैं, आपके बुलेट्स जो हैं वो अवेलेबल होते हैं, आपके बुलेट्स जो हैं वो अवेलेबल होते हैं होम टैब में, ठीक है जी। बुलेट्स आपके कहाँ पर अवेलेबल होते हैं, लगा दें जी बुलेट, ये लग गया जी बुलेट, ठीक है जी। आपके जो है नंबर कहाँ पर अवेलेबल होते हैं, नंबर भी आपके यहीं पर अवेलेबल होते हैं, ठीक है जी। अब इसको सारे को हम कर दें, ये लें जी सारे को कर देते हैं, ठीक है जी, 1 2 3 4 5 कर दिया जैसे, ठीक है जी, 1 2 3 4 5 पैराग्राफ, 5 पैराग्राफ में मैंने इनको नंबरिंग दे दी। अब मल्टी लेवल लिस्ट क्या होती है आपकी, ये होती है जी, और मल्टी लेवल लिस्ट आपकी कहाँ पर अवेलेबल होती है, आपकी होम टैब में अवेलेबल होती है, आपके होम टैब में अवेलेबल होती है, ये इसको कहते हैं जी मल्टी लेवल लिस्ट। इसमें आप डिफरेंट टाइप की कोई कस्टम भी यूज कर सकते हो, डिफरेंट टाइप की मल्टीपल लेवल, ये देखें जी वन था नंबर के साथ हमने अब वो भी यूज कर लिया, मल्टी लेवल लिस्ट आप यूज कर सकते हो, ठीक है जी। तो मल्टी लेवल लिस्ट का ऑप्शन किधर अवेलेबल है जी, आपके पास होम में अवेलेबल है। उसके बाद अब ये जो है ना आपका कितने अलाइनमेंट आपके पास कितने होते हैं, अच्छा एक थोड़ा सा मैं आपको चीज थोड़ी सी बता देता हूँ, हम वापस चले जाते हैं, ठीक है जी। अब ये हमारा आ गया, अब इसमें ना आपके रूलर कहाँ पर होते हैं, आपके रूलर कहाँ पर होते हैं, आपके रूलर होते हैं व्यू के अंदर, आप व्यू में जाकर रूलर को आप क्लिक कर देंगे तो ये देखें जी आपके रूलर आ गए। आपका रूलर कहाँ होता है जी, आपका रूलर व्यू के अंदर होता है, रूलर आपका कहाँ पर होता है जी, व्यू के अंदर होता है, और जो है व्यू के अंदर बाकी मजीद भी हम देखते हैं, लेकिन इसको हमेशा आपने एक्टिव रखना है। तो अब इसके अंदर ये देखें, ये एक आपको ऑप्शन नजर आ रहा होगा जिसे कहते हैं लेफ्ट टैब, इसे कहते हैं टैब स्टॉप, इस चीज को क्या कहते हैं, टैब स्टॉप, इस चीज को कहते हैं टैब स्टॉप, और ये टैब स्टॉप लेफ्ट भी अवेलेबल होता है, राइट भी अवेलेबल होता है, ये देखें जी, और ये सेंटर हो गया, यहाँ पर सेंटर टैब हो गया जी, अब ये राइट भी अवेलेबल होता है आपके पास, और डेसिमल में भी आप कर सकते हैं, ये डेसिमल में हो गया जी, ठीक है जी, डेसिमल टैब भी हो सकता है, यानी मैं आपको बताता हूँ ये होता क्या है, ये देखें जी, ये जो है आपका बार टैब भी होता है, एक बार टैब भी होता है आपके पास। अब ये लेफ्ट टैब जो है आपके पास क्या होता है जी, ये एक सेकेंड, इसको हम, ये लेफ्ट टैब आ गया, बाय डिफॉल्ट क्या होता है लेफ्ट टैब। अब मैं लिख देता हूँ आपकी जो है ना MUHAMMA, बड़ा ही है ना सब कुछ बड़ा ही, MH, ठीक है जी, तो ये मैंने लिखा एक, ये मैंने लिख दिया, ठीक है जी, उसके बाद फिर मैंने लिख दिया, ठीक है जी, कुछ भी मैंने लिख दिया, ठीक है जी, उसके बाद मैंने फिर जो है ना ये यहाँ पर लिख दिया। अब मैंने कहा ये सीक्वेंस में नहीं है, ये अब एक लाइन हो गई, अब मैं इसका टैब का बटन दबाऊं, देखें जी ये टैब इधर आ गया,
अब इस टैब को जब मैं देखें, अब मैं यहाँ पर करता हूँ HUMA, अब ये यहाँ पर आ रहा है। अब मैं जब इसको टैब स्टॉप को यहाँ पर सेट कर दूंगा तो ये कहाँ पर, ये वहां पर अब नहीं जाएगा। ये देखें जी, लेफ्ट टैब मैंने ये, इसके जरिए से मैं अपनी डायरेक्शन को सेट कर सकता हूँ, अपनी डायरेक्शन को सेट कर सकता हूँ। ठीक है जी, अब ये अगर मैं इधर ले जाता हूँ, अब मैं जैसे ही टैब दबाऊंगा, देखें ये, एक सेकंड हम टैब को उठाकर इधर ले जाते हैं। ये देखें जी, आपका टैब स्टॉप आपका क्या करता है, आपकी पोजीशन को, यानी एक तो आपके टेक्स्ट को अलाइन करता है, एक आपके टेक्स्ट को अलाइन करता है। ये देखें जी, यहां से अब पीछे नहीं जा रहा। ठीक है जी, एक तो आपके टेक्स्ट को अलाइन करता है, बिल्कुल सीधा रखता है टैब स्टॉप, और जो है ना आपकी जो है ना इसके अंदर डिफरेंट पोजीशन अवेलेबल होती है, एक होती है सेंटर, एक होती है राइट, एक होती है लेफ्ट, और बाय डिफॉल्ट आपके पास क्या होती है जी, लेफ्ट होती है अवेलेबल। ठीक है जी, उसके बाद जो है ना ये बहुत अच्छा, ये अलाइन करने के लिए होता है। अगर फॉर एग्जाम्पल आपकी जो है ना अलाइनमेंट नहीं होगी ना, तो अलाइन करने के लिए ये यहाँ पर भी आ सकता है। उसके बाद आप इसको यहाँ पर भी, ये देखो इसको यहाँ पर भी ले जा सकते हो आप, इसके ऊपर डिफरेंट जो है आप चीजें कर सकते हैं। तो ये आप लाजमी चेक कीजिएगा टैब स्टॉप को भी। ठीक है, तो अब हम इसको देखते हैं जी, अब हम रैंड दोबारा ले आते हैं, इज इक्वल टू RAND रैंड। अच्छा, अब जी आपका ये बाय डिफॉल्ट पैराग्राफ किस तरीके का होता है, आपका पैराग्राफ होता है लेफ्ट अलाइन। ठीक है जी, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, ये भी देख लें, इसे कहते हैं वर्टिकल, इसे कहते हैं वर्टिकल बार। ठीक है जी, वर्टिकल बार, और ये आपका क्या नीचे क्या होता है जी, आपका हॉरिजेंटल बार। ठीक है जी, इसको वर्टिकल बार कहते हैं, और ये आप डिफरेंट पेजेस को देखने के लिए, डिफरेंट चीजों को देखने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप जो है ना अपने डॉक्यूमेंट में आगे पीछे जाने के लिए आप इस चीज को यूज करते हो। ये क्वेश्चन है जी PPSC का, यही क्वेश्चन है कि आप इसको क्या करते हो जी, आगे पीछे जाने के लिए करते हो, और एक आपका नीचे भी होता है। ठीक है जी, तो अब जी इसमें आपका ये चीज आपको पता होनी चाहिए, और टैब स्टॉप भी आपको पता चल गया। अच्छा, अब हम देखते हैं लेफ्ट अलाइन। अब हम लेफ्ट अलाइन, पैराग्राफ क्या होता है लेफ्ट अलाइन, और लेफ्ट अलाइन की कमांड क्या है ये जी, लेफ्ट अलाइन की कमांड क्या है, कंट्रोल L। ठीक है जी, कंट्रोल L, कंट्रोल L, और इसमें कितनी तरह की अलाइन होती है, कंट्रोल, ये तो इसने जस्टिफाई कर दिया, ये कंट्रोल L। ठीक है जी, ये जी कंट्रोल L हो गया। ठीक है जी, अब यानी लेफ्ट से देखें जगह छोड़ता जा रहा है, ये देखें लेफ्ट से जो है जगह छोड़ता जा रहा है, देखें जी लेफ्ट से जगह छोड़ता जा रहा है। ठीक है जी, तो इसको क्या कहते हैं लेफ्ट अलाइन, और इसी तरीके से आपका सेंटर अलाइन होता है कंट्रोल ई। ये देखें जी, सेंटर में जगह छोड़ता जा रहा है, बस सेंटर में, बिल्कुल ऐसे इसको सेंटर में कर रहा है जी, सेंटर अलाइन कर रहा है। ठीक है जी, और उसके बाद जस्टिफाई होता है, यानी सारी लाइनें ऐसे बिल्कुल सीधी सीधी रख दे भाई, सीधी जस्टिफाई, कंट्रोल जो है लेफ्ट अलाइन का एल, एल से लेफ्ट, एल से लेफ्ट अलाइन हो गया, और आर से राइट अलाइन हो गया, और ई से हो गया आपका सेंटर लाइन, और जे से हो गया जस्टिफाई। ठीक है जी, तो अब एक ये होती है जी पैराग्राफ इंडेंट। ठीक है जी, इसमें डिक्रीज इंडेंट भी कर सकते हो, इंक्रीज इंडेंट भी कर सकते हो। अब यानी इंडेंट क्या होती है, इंडेंट डेंट से निकला है, डेंट के अंदर इन डाला हुआ है, डेंट के अंदर इन डाला हुआ है, डेंट के अंदर इंडेंट। जैसे ही मैं कंट्रोल एम करूंगा ना, ये देखें जी आपका पैराग्राफ को, आपकी इंडेंट को बढ़ा रहा है। इंडेंट क्या होती है बेसिकली, ये चीज, इसको इंडेंट कहते हैं, इसको इंडेंट कहते हैं, इंडेंट कहते हैं, और हैंगिंग इंडेंट भी एक चीज होती है, वो अभी देखते हैं, पहले इंडेंट को समझ लें। इंडेंट क्या होती है आपकी, इंडेंट होती है कि आपका जो मार्जिन है पीछे से, अब इसे मैं वापस डिक्रीज करना चाहता हूँ, तो फिर अब दबाया था मैंने कंट्रोल एम, अब मुझे क्या दबाना पड़ेगा, कंट्रोल शिफ्ट और एम, वापस चला गया, कंट्रोल शिफ्ट और एम। इंक्रीज इंडेंट के लिए क्या करते हैं हम, ये मैंने बढ़ा दी है इंडेंट, कंट्रोल एम से बढ़ा दी है। ठीक है जी, और कंट्रोल शिफ्ट एम से इंडेंट क्या कर दी है, ये देखिए मेरा रूलर देखिएगा, ये इस चीज के ऊपर आपने नजर रखनी है, इस चीज के ऊपर आपने नजर रखनी है, देखिएगा रूलर मेरा इंडेंट को मेरे को बढ़ाएगा, कंट्रोल एम, इंडेंट बढ़ गई ना मेरी। ठीक है जी, और अगर मैं वापस करूंगा रूलर वापस चला जाएगा, ये रूलर जो है ये आपके मार्जिन होते हैं,
और आपका पेपर का क्या साइज होता है? आपके पेपर का साइज होता है सर 8.5 बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा बड़ा करके लिखते हैं ताकि समझ आ सके। 25 कर लेते हैं। अच्छा, बाय डिफॉल्ट आपके पास क्या होता है जी? बाय डिफॉल्ट होते हैं 8.5 मल्टीप्लाई बाय 8.5 मल्टीप्लाई बाय 11 11, ठीक है। 8.5 यानी आपकी होती है विड्थ, 8.5 आपकी क्या होती है विड्थ, और आपकी 11 क्या होती है लेंथ, ठीक है जी। और आपका बाय डिफॉल्ट ये होता है A4 साइज नहीं होता आपका। अगर आपका पेपर में सवाल आया कि बाय डिफॉल्ट आपकी क्या होती है, और ये कहाँ से चेक की जा सकती है, ये आपकी पेज लेआउट से चेक की जा सकती है, ठीक है जी। पेज लेआउट से चेक की जा सकती है, ये आपको दिखाते हैं जी, एक मिनट। ये जी आपका पेपर का साइज, ठीक है जी, ये A4 इसने एक मिनट इसने A4 सेलेक्ट किया, लेकिन इसमें होता वैसे ये वाला है जो मैंने आपको बताया ना, पेपर में आपका यही आएगा। ये असल में वर्ड है 2016, ठीक है जी। थोड़ा सा ये भी डिफरेंस है इनमें, थोड़ा सा डिफरेंस है बस। तो बाय डिफॉल्ट आपके पास क्या होती है 8.5 मल्टीप्लाई बाय 11, ठीक है जी। ये पेपर का साइज होता है, और ये आपके जो है एक वर्टिकल जो है रूलर होता है आपका, वो स्क्रोल बार होता है, जो वर्टिकल स्क्रोल बार, ये इसे वर्टिकल स्क्रोल बार कहते हैं, और एक नीचे होता है उसे कहते हैं हॉरिजेंटल स्क्रोल बार। एक वर्टिकल स्क्रोल बार होता है और एक हॉरिजेंटल स्क्रोल बार, और ये आपके क्या होते हैं जी, रूलर्स होते हैं, ठीक है जी। और एक आपका ये रूलर होते हैं जी, ये ऊपर वाले को लेके जाऊंगा तो ये आपके रूलर होते हैं, ठीक है जी। ये आपके रूलर होते हैं, ये आपके इंडेंट के लिए काम आते हैं, अभी जो मैंने आपको इंडेंट करके दिखाई है, ठीक है जी, इंडेंट जो आपको अभी करके दिखाई है। तो आपकी इंक्रीज भी हो जाती है और डिक्रीज भी हो जाती है। इंक्रीज का लोगों को पता होता है फार्मूला, ठीक है जी, और डिक्रीज का नहीं पता होता, तो डिक्रीज का भी आपको पता चल गया, क्योंकि इधर शो नहीं हो रहा ना ये, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है। तो इंक्रीज के लिए कंट्रोल एम, ठीक है, सॉरी ये सिलेक्ट करना पड़ेगा, कंट्रोल एम, ठीक है जी। तो और डिक्रीज के लिए कंट्रोल शिफ्ट एम, डन हो गया जी। अब इसके बाद आपके पास ये नीचे होता है जी, स्पेसिंग आपके पास कितनी होती है, तो बाय डिफॉल्ट जो है वो कितनी स्पेसिंग होती है, 1.15 बाय डिफॉल्ट कितनी होती है स्पेसिंग जी, ये वाली 1.15 बाय डिफॉल्ट कितनी होती है 1.15, और इसमें सिर्फ और सिर्फ आपके पास कितनी अवेलेबल होती है, बाय डिफॉल्ट 1.15 स्पेसिंग होती है। पैराग्राफ स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग कितनी होती है आपके पास 1.15, और इसकी कमांड्स क्या क्या होती है जी, एक तो है कंट्रोल वन, ये देखें कम कर दी, ये अब वन की इसने कर दी है, ये देखें जी, अब ये मेरी वन सेलेक्ट है। बाय डिफॉल्ट कितनी होती है, ये बाय डिफॉल्ट ये होती है, कंट्रोल वन से वन हो जाती है। और इसमें तीन ऑप्शन सिर्फ अवेलेबल होते हैं, एक कंट्रोल वन और एक कंट्रोल फाइव, वो क्या करेगा 1.5, ये देखें जी 1.5 कर दी इसने 1.5, और कंट्रोल टू से क्या कर देगा आपका ये टू, बस ये तीन अवेलेबल होते हैं। 5 से 1.5 होती है और 2 से 2 इंचीज हो जाती है, 2 इंचीज, अब 1 कर देते हैं दोबारा वापस, ठीक है जी। तीन ऑप्शन अवेलेबल होते हैं लाइन स्पेसिंग के अंदर, जो कि होम टैब के अंदर जो है, होम टैब के अंदर होती है आपकी पैराग्राफ जो है ग्रुप के अंदर होती है लाइन स्पेसिंग, इसके अंदर बाय डिफॉल्ट जो है वो 1.15 होती है, 1.15, और जो आपके पास बाय डिफॉल्ट होती है, और उसके अलावा कंट्रोल 1 से 1 इंच की स्पेसिंग हो जाती है, ठीक है जी, और कंट्रोल 5 से 1.15 की हो जाती है, और कंट्रोल 2 से 2 इंच की हो जाती है, ठीक है जी। तो ये आपका जो है क्लियर हो गया होगा। तो अब इसमें जो है आपकी एक सेकेंड, ये आपका जो है ये फ्लैग होता है, ठीक है जी, ये पैराग्राफ के एंड पर लगा देते हैं, हाइड और शो टेक्स्ट के लिए भी यूज होता है, इसका एक स्पेसिफिक फंक्शन भी है, ठीक है जी। तो ये देखें जी, ये हमारे पैराग्राफ के एंड के ऊपर, सब के ऊपर लगा दिए मैंने, ठीक है जी। जैसे मैंने किया उसने पैराग्राफ और मुझे मेरा जो है ना सारा एंड जो है ना उसने मेंशन कर दिया, तो इसको हम हटा देते हैं तो ये हट गया। तो उसके बाद इसके अंदर होम टैब के अंदर डिफरेंट टाइप के स्टाइल्स भी अवेलेबल है आपके पास, ठीक है जी, डिफरेंट टाइप के स्टाइल्स भी, और स्टाइल का ऑप्शन कहाँ पर है जी, होम टैब के अंदर है, होम टैब कर।
अच्छा आप अगर बॉर्डर लगाना चाहो तो बॉर्डर का ऑप्शन किधर होता है? अब मैं चाहता हूँ कि ये मेरा पूरा का पूरा बॉर्डर लग जाए, तो आपका पूरा का पूरा बॉर्डर ये देखें जी, ये बॉर्डर लग गया। इसके अंदर डिफरेंट टाइप के बॉर्डर भी अवेलेबल हैं, ठीक है जी। आप इसको कैद कर देते हैं, कैद कहाँ से होगा जी, ये आउटसाइड बॉर्डर कैद कर दिए, आउटसाइड बॉर्डर भी अवेलेबल होता है, ठीक है जी। बॉर्डर कहाँ पर अवेलेबल होते हैं? आपके होम टैब के अंदर होते हैं, एड और रिमूव बॉर्डर फ्रॉम योर सिलेक्शन, रिमूव कर दिया जी, ठीक है जी। उसके बाद जो है आप अपने टेक्स्ट को क्या कर सकते हो, शेड भी कर सकते हो टेक्स्ट को, ठीक है जी। आप अपने टेक्स्ट को शेड भी कर सकते हो, ये देखो जी, आप अपने टेक्स्ट के बैकग्राउंड को ये देखो शेड भी डिफरेंट टाइप के दे सकते हो। तो ये आपका शेडिंग हो गई। शेडिंग कहां पर होती है आपकी? शेडिंग भी आपकी इधर ही होती है अवेलेबल, होम टैब में। ये आपको पता होना चाहिए, शेडिंग कहाँ अवेलेबल होती है जी, आपकी होम टैब में होती है शेडिंग अवेलेबल, ठीक है जी। उसके बाद आपके फाइंड, रिप्लेस और गो टू, गो टू के लिए वैसे एक कमांड है, ये लिख लें, गो टू के लिए F5, ये देखें जी, गो टू के लिए क्या कमांड है जी, F5। ये पूछी होती है तो आप लोगों को पता नहीं होती, तो आप लिख लें गो टू के लिए क्या कमांड है जी, F5, ठीक है जी। और रिप्लेस के लिए क्या कमांड है जी, कंट्रोल एच रिप्लेस के लिए है, कंट्रोल एच रिप्लेस के लिए है। और कंट्रोल एफ किसके लिए है जी, फाइंड के लिए है जी, कंट्रोल एफ, कंट्रोल एच और F5, ठीक है जी, गो टू के लिए। अब ये गो टू जो है आप पेज के डिफरेंट सेक्शंस पर जा सकते हो, डिफरेंट लाइंस पर जा सकते हो। अब मैं लाइन नंबर यहाँ पर मैंने डाल देता हूँ जी, 3 नंबर लाइन पर मुझे ले जा, ये ले गया 3 नंबर लाइन के ऊपर, चला गया था ना नीचे, देख रहे हो ना जा रहा है, तो ये डिफरेंट टाइप के आइटम पेश कर देता है। तो ये देखें जी, 3 नंबर लाइन पर आ गया था मैं। तो जी आपका ये होम टैब, आई थिंक इसमें एडिटिंग, ये एडिटिंग का जो है ग्रुप अवेलेबल है, ठीक है जी। और ये स्टाइल्स आप डिफरेंट टाइप के दे सकते हो इसके अंदर, ठीक है जी, जो बहुत सारे अवेलेबल हैं आपके पास, ठीक है। पहले इनका प्रीव्यू भी देख सकते हो आप, अगर प्रीव्यू देखना चाहो तो। इसके अलावा आपका जो है ये फॉर्मेटिंग टेक्स्ट, क्लियर और फॉर्मेटिंग, ये इसकी क्या कमांड होती है, ये भी पूछी हुई है, कंट्रोल प्लस स्पेस बार, ये तो खत्म करना, कंट्रोल प्लस स्पेस बार सिलेक्ट कर लो, कंट्रोल प्लस स्पेस बार, इससे सारी फॉर्मेटिंग, अभी तो हमने कुछ दिया ही नहीं हुआ, तो ये इसको देखते हैं, ये देखो खत्म कर दिया ना, मैंने साइज बढ़ाया था, कंट्रोल प्लस स्पेस बार ने क्या कर दिया, साइज मेरा खत्म कर दिया, ये इतना बड़ा साइज दे दिया, कंट्रोल ये खत्म कर दिया, कंट्रोल प्लस स्पेस बार क्या कर देता है जी, फॉर्मेटिंग को खत्म कर देता है, जितनी भी आपने फॉर्मेटिंग टेक्स्ट के ऊपर लगाई हुई है उसको रिमूव करने के लिए कंट्रोल प्लस स्पेस बार, ठीक है जी। तो आई थिंक आपका होम टैब जो है क्लियर हो गया होगा, तो होम टैब क्लियर है जी। होम टैब के मुतल्लिक आपका कोई क्वेश्चन है? ये आपका मेरे ख्याल, हाँ ये टेक्स्ट इफेक्ट, अच्छा टेक्स्ट इफेक्ट, ये आपका सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट, ये आपके क्या हैं, ये आपके फॉन्ट इफेक्ट हैं, ये आपके क्या हैं, फॉन्ट इफेक्ट हैं। और ये जो आपका ये है जी फॉन्ट कलर, ये आपका टेक्स्ट इफेक्ट है, ये आपका क्या है, टेक्स्ट इफेक्ट है। ये पीपीएससी का क्वेश्चन है, लाजमी ध्यान में रखिएगा, एक होता है टेक्स्ट इफेक्ट और एक होता है फॉन्ट इफेक्ट, ठीक है जी। जैसे श्रिमर करना, जैसे डिफरेंट टाइप की इसके ऊपर करना, तो सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, ये सारी चीजें आपकी क्या हो गई, ये हो गई। उसके अलावा आपको इंसर्ट टैब के अंदर पता होना चाहिए कौन कौन सा, आप डिफरेंट टाइप का कवर पेज का ये आया हुआ है सवाल जी, ब्लैंक पेज का भी आया हुआ है सवाल कि ब्लैंक पेज किधर होता है जी, ब्लैंक पेज ऐड करना चाहते हो इसके अंदर, खाली पेज ऐड करना चाहते हो तो वो भी अवेलेबल है। उसके बाद पेज ब्रेक का ऑप्शन किधर होता है जी, पेज ब्रेक का ऑप्शन भी आपका जो है वर्ड के अंदर होता है, आप इसके अंदर जो है टेबल भी इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है जी, पिक्चर भी इंसर्ट कर सकते हो, ये आपको पता होना चाहिए। स्क्रीन शॉट वाला सवाल आया हुआ है, ठीक है जी, स्क्रीन शॉट वाला, के स्क्रीन शॉट कहाँ पर अवेलेबल होता है जी, आपके इंसर्ट मेन्यू में अवेलेबल होता है। और हेडर और फुटर, हेडर और फुटर बेसिकली आप लगाते हो रेफरेंस के तौर पर, ठीक है जी, रेफरेंस, आपने टाइटल देना है, आपने कोई चीज करना है तो आप हेडर लगा सकते हो, हेडर ऊपर होता है और फुटर फुट से निकला तो फुटर नीचे होता है। और ये किस मेन्यू में होते हैं, ये दोनों जो है इसको क्लोज कर देते हैं जी, हेडर फुटर मेन्यू को, तो हेडर और फुटर आपके कहाँ पर होते हैं, इंसर्ट में होते हैं, हेडर और फुटर आपके कहाँ पर होते हैं जी, इंसर्ट के अंदर होते हैं, ठीक है जी। हाइपरलिंक क्या होता है,
हाइपरलिंक आपकी इसकी कमांड है कंट्रोल के, हाइपरलिंक की कमांड क्या है जी, कंट्रोल के। आप किसी भी जो है ना वेबसाइट का लिंक इसमें दे सकते हो। मैं कहता हूँ यार ये मैंने सारी डिटेल जो है ना www.google.com से ली है, www.google.com से ली। अब मैं कहता हूँ यार ये हाइपरलिंक बन जाए, इसको सिलेक्ट करूंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल के दबा दूंगा, कंट्रोल के, ठीक है जी। तो ये मुझे लिंक कर दे जी गूगल के साथ। ओके ये लिंक होगी भाई मैं गूगल के साथ। अब यहाँ पर क्लिक करूंगा कंट्रोल और क्लिक करूंगा हाइपरलिंक मेरी कड़ाल हो जाएगी। वो मैंने सही तरह से लिखा नहीं ना, इसलिए वो लेकर नहीं जा रहा। अगर आप सही तरीके से लिखेंगे तो आपको ये गूगल के ऊपर ले जाएगा, ठीक है जी। हाइपरलिंक भी आप दे सकते हो, रिमूव कर देते हैं जी, ये ले जी। तो आपके कमेंट्स जो हैं, कमेंट्स भी आप इसमें दे सकते हो जी। मैं डिवाइस के साथ कमेंट्स देना चाहता हूँ, अनदर डिवाइस, डिवाइस के साथ मैं कमेंट देना चाहता हूँ जी, ये डिवाइस अवे है, ठीक है जी, अवे है डिवाइस जी, अवे। कमेंट दे दिया जी मैंने, ठीक है जी, आपका कमेंट दे दिया, ये कमेंट दे दिया। और कमेंट देना चाहता हूँ तो और भी दे सकता हूँ, ठीक है जी। तो आप कमेंट आपके शोज कैसे होते हैं, एज ए बैलून, ठीक है जी, आपके एज ए बैलून शो होते हैं, आपके एज ए बैलून शो होते हैं जी। कमेंट्स एमएस वर्ड में कैसे शो होते हैं, एज ए बैलून, ये बैलून की तरह, ये देखें जी बैलून की तरह शो हो रहे हैं, हो रहे हैं ना बैलून की तरह शो आपके कमेंट। यहाँ पर क्लिक करूंगा मेरा कमेंट आ जाएगा, डन हो गया भाईजान, समझ आ रही है, ये देखो बैलून की तरह शो हो रहे हैं, ठीक है जी। तो ये किस तरह से शो होते हैं जी, बैलून की तरह शो होते हैं कमेंट। कमेंट रिमूव कर देते हैं, आई थिंक आपको समझ आ गई होगी, ये जी रिमूव कर दिया मैंने कमेंट, ठीक है जी। हाइपरलिंक हो गया। और बुकमार्क आपका क्या होता है, बुकमार्क आपको स्पेसिफिक जो है किसी जो है हाइपरलिंक के साथ आपको या किसी स्पेसिफिक लोकेशन पर जाने के लिए अपने डॉक्यूमेंट में आप बुकमार्क भी जो है लगा सकते हो, ठीक है जी। और क्रॉस रेफरेंस भी, रेफरेंस से निकला है, आप क्रॉस रेफरेंस, ये तीनों एक ही तरह की चीजें लेकिन थोड़ा सा इनका डिफरेंस है, ठीक है जी। और हेडर और फुटर वाले आपके कॉलम के अंदर पेज नंबर भी अवेलेबल होता है, ठीक है जी, पेज नंबर भी। फिर वही बात है कि अब इंसर्ट टैब के अंदर आपके क्या क्या अवेलेबल हैं, पेजेस अवेलेबल हैं, टेबल्स अवेलेबल हैं, इलस्ट्रेशन अवेलेबल हैं, एप्स अवेलेबल हैं, मीडिया अवेलेबल है, ठीक है जी, लिंक्स अवेलेबल हैं, कमेंट्स अवेलेबल हैं, हेडर एंड फुटर अवेलेबल हैं, और टेक्स्ट अवेलेबल है, और सिंबल, सिंबल और इक्वेशन कहाँ पर होते हैं जी, इंसर्ट के अंदर होते हैं, इंसर्ट के अंदर। और इंसर्ट के अंदर आप ऑब्जेक्ट भी कर सकते हो, इंसर्ट कोई एम्बेडेड, एम्बेडेड, एम्बेडेड का क्या मतलब होता है, एम्बेडेड जो लिंक हुआ होता है। यहाँ पर मैं अब कोई एक्सेल की शीट भी कर सकता हूँ, वर्कशीट भी कोई ऐड कर सकता हूँ, कोई एक्सेल की वर्कशीट भी ऐड कर सकता हूँ, कोई चीज, ये देखें जी मेरा एक्सेल की वर्कशीट। अब ये खुद इसके अंदर जो है ना वो क्या आ जाएंगे, ये देखें एक्सेल वाले मेन्यू इसने कर दिए, ठीक है जी। वो एक सवाल है ना, इनसाइड वर्ड एप्लीकेशन एमएस एक्सेल टूल बार, ये देखें ये है टूल बार एमएस एक्सेल के, ये है जनाब टूल बार, आ गए ना ये, यानी एम्बेडेड क्या होता है आपके पास, एम्बेडेड होता है लिंक्ड, मैंने लिंक कर दिया एक्सेल की ऑब्जेक्ट को वर्ड के अंदर, ये देखें जी मैंने लिंक कर दिया, ठीक है जी। लिंक कैसे किया मैंने, मैं इंसर्ट, इंसर्ट का जो मेरा टैब था उधर गया हूँ, इंसर्ट के टैब में मैंने यहाँ पर मेरा ये ऑप्शन था ऑब्जेक्ट का, मैंने ऑब्जेक्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक किया, और यहाँ पर मेरे पास शीट का ऑप्शन था, मैंने शीट के ऑप्शन पर क्लिक किया और एम्बेडेड ऑप्शन ये एम्बेड कर दिया था, एम्बेडेड एक्सेल ऑब्जेक्ट को मैंने इधर एम्बेड कर दिया, बेड के ऊपर डाल दिया मैंने, ठीक है जी। तो अब ये सारे के सारे मेरे पास क्या आ गए हैं जी, ये देखें अब मेरे ये एक्सेल के, देखें ये एक्सेल के मेन्यू होते हैं ना सारे के सारे, ये वर्ड एप्लीकेशन के अंदर एक्सेल के मेन्यू होते हैं जनाब, डन हो गया जी आपको, आई थिंक ये समझ आ गया होगा, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, डन हो गया। तो उसके बाद आप टेक्स्ट बॉक्स एक जो है, अच्छा वर्ड आर्ट और क्लिप आर्ट में बच्चों को प्रॉब्लम हो रही होती है, वर्ड आर्ट और क्लिप आर्ट में, वर्ड आर्ट के लिए आप लिखोगे कि क्लिप आर्ट में, क्लिप आर्ट में वो आपकी गिफ नहीं होती, जिसमें कोई इमेज का लफ्ज आ जाएगा ना वो आपका क्या होता है, क्लिप आर्ट। और जहां पर टेक्स्ट का ऑप्शन होगा वो आपका क्या होगा, वर्ड आर्ट। क्या फर्क है जी क्लिप आर्ट और वर्ड आर्ट में, क्लिप यानी गिफ, इमेज, ठीक है जी, जी आई एफ, आप गिफ नहीं भेजते, वो एक क्लिप आर्ट की एग्जाम्पल है। और वर्ड आर्ट में आपका टेक्स्ट, ये देखें जी डिफरेंट टाइप का टेक्स्ट आपका जो है ना वो हो रहा होता है, ठीक है जी, इसमें टेक्स्ट के आपके टेक्स्ट के ऊपर इफेक्ट कर रहे होते हैं, वर्ड आर्ट डिफरेंट टाइप के आप कर रहे होते हो, ठीक है जी। ये देखो ये टेक्स्ट मैंने आर्ट कर दिया, इसको आर्ट डाल दिया, टेक्स्ट के अंदर मेरा आर्ट आ गया, उसके अंदर टेक्स्ट के अंदर आर्ट नहीं आता, उसके अंदर क्लिप आर्ट होता है।
आप उसके अंदर पिक्चर ऐड कर सकते हो, डिफरेंट टाइप की चीजें कर सकते हो। क्लिप आर्ट और वर्ड इंसर्ट टैब आपका था। और उसके बाद आप ड्रॉप कैप, ड्रॉप कैप के मुतालिक क्या क्या क्वेश्चन आए हुए हैं जी, ड्रॉप कैप के मुतालिक ये आए हैं जी, इसकी कितनी पोजिशन होती है जी, एक तो ये पोजिशन है ठीक है जी, और उसके अलावा जी इसकी ये भी पोजिशन है, ये पोजिशन है ना, एक ये पोजिशन है, एक ये पोजिशन है, दो पोजिशन है, ये वाली पोजिशन है, ये वाली पोजिशन, सिर्फ दो पोजिशन होती है। कितनी पोजिशन होती है ड्रॉप कैप की, कॉलम वगैरह में लिखी नहीं होती, जो अखबार का कॉलम होता है ड्रॉप कैप, ये देख रहे हो, ड्रॉप कैप से मुराद क्या होती है, इनिशियल लेटर कैपिटल। ड्रॉप कैप से क्या मुराद होती है, इनिशियल लेटर कैपिटल। ड्रॉप कैप से क्या मुराद होती है, इनिशियल लेटर कैपिटल, यानी पहला लेटर कैपिटल, और फिर इसमें बाय डिफॉल्ट कितनी लाइंस होती हैं, तीन। बाय डिफॉल्ट कितनी होती हैं जी, तीन, और मैक्सिमम कितनी हो सकती हैं, दस ड्रॉप कैप के अंदर। यानी ड्रॉप कैप से मुराद ये है, मैंने यहाँ पर डाल दिया जी ड्रॉप कैप, ड्रॉप कैप डाल दिया। अब ये तीन लाइनें मैं इसको मैं जो है ना ये लो, ये मेरा ये थोड़ा सा इसको चेंज कर लेगा मेरा ये वो, असल में हमारा मार्जिन थोड़ा सा ठीक है। ये मैक्सिमम तीन लाइनें, ये नहीं ड्रॉप कैप हमें खुद देना पड़ेगा इसमें, ये इसलिए चावल बज रही है। लेकिन बहरहाल ये आपकी तीन, ये ड्रॉप कैप आपका क्या होता है जी, ड्रॉप कैप आपका होता है कि इसके अंदर दो पोजीशन है, ये देखें ये वाली, एक ये दो पोजीशन है, और ये मैक्सिमम कितने लाइन हो सकता है, ये देखें जी एक दो तीन लाइन, और बाई डिफॉल्ट कितना होता है जी, तीन लाइन, और मैक्सिमम इसके अंदर कितना कर सकते हो आप जी, ये ये दस लाइन है, तीन तीन छह दो, यानी दस लाइनों तक आप इसे ड्रॉप कैप को कर सकते हो, दस लाइनों तक आप कर सकते हो ठीक है। ये इस तरीके से आप दस लाइनों तक इसको ड्रॉप कैप को कर सकते हो, और बाय डिफॉल्ट नन कर दो, और ये और भी ऑप्शन इसमें अवेलेबल होते हैं ठीक है जी, मार्जिन में लगा सकते हो या ना लगाओ आपकी मर्जी है, नहीं लगाता ठीक है जी, नहीं लगाते। तो ड्रॉप कैप का भी ये क्वेश्चन जो आए हुए हैं, बाय डिफॉल्ट तीन, मैक्सिमम कितनी लाइन दे नीचे ले जा सकते हो, ये लाइन है ना, ये वाली लाइन है, ये तीन लाइनों तक ड्रॉप कैप आ गया, उसके अलावा दस लाइनों तक ड्रॉप कैप आ गया, ये यहाँ तक ड्रॉप कैप आ गया, तीन और ये चार सात और तीन दस, यहाँ तक आ गया ड्रॉप कैप, बस यहीं तक आप मैक्सिमम कर सकते हो ड्रॉप कैप को, या बाय डिफॉल्ट तीन यहाँ तक और मैक्सिमम इतना, बस इससे ज्यादा नहीं। अच्छा जी, आपकी इक्वेशन और सिंबल हो गई। अच्छा, आप आपका स्क्रीनशॉट भी लेना है, ले लो स्क्रीनशॉट, ये देखो ये स्क्रीनशॉट ले लो, वो तो पता ही होगा सबको, स्मार्ट आर्ट हो गया, पिक्चर ऐड कर सकते हो आप ठीक है जी, पिक्चर को ऐड कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ऐड कर सकते हो, कुछ भी ऐड कर सकते हो, कोई टेबल ड्रॉ कर सकते हो आप, यहाँ पर टेबल ड्रॉ कर सकते हो ठीक है जी, टेबल ड्रॉ कर सकते हो, और पेज ब्रेक की क्या कमांड होती है, कंट्रोल इंटर होती है, पेज ब्रेक की क्या कमांड होती है, कंट्रोल इंटर, रिटर्न यानी इंटर, ये कंट्रोल इंटर, कंट्रोल जेड कर दिया ठीक है जी, ब्लैंक पेज ऐड कर सकते हो आप ठीक हो गया जी। उसके बाद आपका डिजाइन टैब है, डिजाइन टैब के अंदर वाटरमार्क का ऑप्शन है ठीक है जी, पेज कलर दे सकते हो, और ये पेज बैकग्राउंड के ऑप्शन है, सबके सब क्या है जी पेज उसके, और पैराग्राफ स्पेसिंग का इधर भी ऑप्शन अवेलेबल है, डिजाइन टैब में भी आपका ऑप्शन पैराग्राफ स्पेसिंग का अवेलेबल है, एक तो आपका होम के अंदर अवेलेबल है पैराग्राफ स्पेसिंग का ऑप्शन, और दूसरा कहाँ पर अवेलेबल है आपका ऑप्शन, डिजाइन मेन्यू के अंदर भी अवेलेबल है ठीक है जी। तो आपके और उसके अलावा डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग भी अवेलेबल है, पेज बॉर्डर भी इधर अवेलेबल है ठीक है जी, पेज बॉर्डर भी इधर अवेलेबल है। तो उसके बाद आप पेज लेआउट की बात करो, तो मैंने साइज आपको पहले बता दिया है, मार्जिन आपका जो आपका ये वाला मार्जिन है राइट ये लेफ्ट मार्जिन ये 1.25, राइट मार्जिन 1.25, टॉप मार्जिन 1, यानी ऊपर से मार्जिन कितना होता है जी, मार्जिन से मुराद क्या, जगह छोड़ना खाली, ये वाला मार्जिन कितना होता है 1, और नीचे वाला मार्जिन कितना होता है, नीचे वाला मार्जिन भी आपका 1, टॉप मार्जिन 1, बॉटम मार्जिन 1, लेफ्ट मार्जिन 1.25, राइट मार्जिन 1.25 ठीक हो गया जी। ये आपके पास चार मार्जिन होते हैं ठीक है जी। ओरिएंटेशन का ऑप्शन कहाँ पर अवेलेबल होता है जी, ओरिएंटेशन का ऑप्शन आपका पेज लेआउट में अवेलेबल होता है,
और ओरिएंटेशन जो है कितनी तरह की होती है, ओरिएंटेशन दो तरह की होती है, एक तो ये है इसे क्या कहते हैं आप बाय डिफॉल्ट क्या होती है जी आपकी पोर्ट्रेट 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 ये पोर्ट्रेट है, ये पोर्ट्रेट है जी अगर आप देख सकते हैं, और ये लैंडस्केप है, ये लैंडस्केप, ये पोर्ट्रेट, और इसको भी करके देख लेते हैं अभिषेक, इसको करना है तो इसको कर लो, ये लैंडस्केप में चला जाए, ये लैंडस्केप में आ गया ठीक है जी, और पोर्ट्रेट में दोबारा चला जाओ, पोर्ट्रेट में वापस चला गया। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप आपके कहाँ पर ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं जनाब, आपके पेज लेआउट में ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, याद रखिएगा लाजमी, एक सवाल आए हुए और पेपर साइज आपको मैंने अभी बता दिए हैं ठीक है जी, पेपर साइज आपको बता दिए हैं इसके अंदर मोर पेपर साइज ठीक है जी, और पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स है ये, पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स के अंदर क्या क्या ऑप्शन है। अच्छा ये गटर पोजिशन, गटर पोजिशन आपकी कौन सी होती है, गटर पोजिशन होती है ऑन द बाइंडिंग साइड, ये देखो ना ये मैंने पेज है मेरा, ये पेज के ऊपर मैंने बाइंडिंग कराई हुई है ना, इसके लिए जो मार्जिन मैं छोड़ता हूँ इसको गटर मार्जिन कहते हैं, और ये कहाँ पर होता है, ये बाइंडिंग साइड ऑफ द पेज होता है, बाइंडिंग के लिए जो हम मार्जिन छोड़ते हैं उसको क्या कहते हैं गटर मार्जिन, वो राइट मार्जिन भी हो सकता है गटर मार्जिन, लेफ्ट भी हो सकता है ठीक है, अगर आप राइट से वो कराना चाहते हो बाइंडिंग है, बाइंडिंग बाद में राइट से कराना चाहते हो तो राइट में, अब मैं करके दिखाऊं आपको, ये देखना आपकी राइट से जगह छोड़ता जाएगा ठीक है, देखो छोड़ता जा रहा है ना बाइंडिंग की, बाइंडिंग ये कर रहा है, प्रीव्यू में देखें आपकी बाइंडिंग कर रहा है, लेफ्ट से बाइंडिंग करनी है तो लेफ्ट से भी बाइंडिंग कर देगा ये ठीक है जी, तो लेफ्ट से भी बाइंडिंग कर देता है, तो जैसे भी आपका जहां से बाइंडिंग कराने का दिल है वहीं से कराए ठीक है जी, तो लेआउट का भी ऑप्शन है ये सारे लाजमी जी, आपका देखें हेडर कितना है, ऊपर कितना मार्जिन है 1. ये इसने हेडर का तो अलग दे दिया तो क्योंकि ये 1.25 है, तो लेकिन आपने कितना याद करना है जो मैंने आपको बताया, पीपीएससी में क्या आएगा जी ऊपर नीचे 1:1 और लेफ्ट राइट 1.25 ठीक है जी, तो पेज ब्रेक का ऑप्शन आपका पेज लेआउट में भी होता है और पेज ब्रेक का ऑप्शन आपका जो है इधर भी होता है इंसर्ट में होता है, पेज लेआउट का पेज लेआउट में भी ब्रेक आप डाल सकते हो ठीक है जी, इंसर्ट पेज एंड सेक्शन ब्रेक भी आप इसके अंदर ऐड कर लोगे ठीक है जी, आपका लाइन नंबर भी होता है ठीक है जी, आपका हाइफन भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो, हाइफनेशन का मतलब डैश ठीक है जी, आपका डैश और आपकी इंडेंट भी होती है इधर, इंडेंट मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इंडेंट डाल दो ठीक है जी, और आपकी स्पेसिंग ठीक है जी, स्पेसिंग आपकी बाय डिफॉल्ट कितनी होती है, स्पेसिंग 12 पॉइंट होती है ठीक है जी, बाय डिफॉल्ट कितने स्पेसिंग होती है जी, बाय डिफॉल्ट आपकी ये आपकी बाय डिफॉल्ट स्पेसिंग पैराग्राफ स्पेसिंग कितनी है जी, इसने 8 दे दी है, लेकिन ये बिफोर भी हो सकती है पैराग्राफ स्पेसिंग और आफ्टर भी हो सकती है, अब इसकी बाय डिफॉल्ट कितने पॉइंट होती है, 12 पॉइंट होती है, ये आ गया 8 12, ये 18 भी होती है जितनी मर्जी, देख रहे हो पैराग्राफ स्पेसिंग कहते हैं इसे, पैराग्राफ स्पेसिंग ठीक है, पैराग्राफ के ऑप्शन है ना, पैराग्राफ स्पेसिंग कहाँ पर अवेलेबल होती है जी, पेज लेआउट में, आप इसको पहले भी दे सकते हो, बिफोर ऊपर करके भी यहाँ पर भी करके दे सकते हो और यहाँ पर दरमियान में भी कर सकते हो ठीक है जी, तो डिफरेंट टाइप की आप पैराग्राफ जो है ना स्पेसिंग को कर सकते हो, और इसके बाद अगर मैं ये बताऊं आपको कि आपका जो है टाइम तो नहीं मारा ज्यादा, बोर तो नहीं हो गया, कितने बजे शुरू हुआ, घंटा हुआ अभी, कोई नहीं खा रहा फिर तो, बस हमारा वर्ड मुकने वाला है। उसके बाद रैप, रैप ऑप्शन क्या होता है कि आप लाइन यहाँ पर पहुंचे हो लाइन के, खुद ब खुद लाइन ऑटोमेटिक नीचे आ जाती है, इसे कहते हैं रैप टेक्स्ट ठीक है जी, इसे क्या कहते हो रैप टेक्स्ट कहते हो, सिलेक्शन पेन आप रख सकते हो, ये मैंने यहाँ पर कोई चीजें सिलेक्शन पेन के अंदर रख ली और फिर उनको बाद में ऐड करता रहता हूँ, इसको सिलेक्शन पेन कहते हैं, आपके अलाइनमेंट के ऑप्शन भी, अलाइन सेंटर अलाइन ये तो वो ये सारा, अलाइन टू पेज ठीक है जी, हर चीज के ऑप्शन आपके अवेलेबल होते हैं पेज लेआउट ऑप्शन में, पेज लेआउट में ग्रिड लाइंस तो ये उसी में यूज होंगी ना आपकी, वो ये देखें इसने ये बना दिया एक्सेल के अंदर ये तो वो, उसके अंदर आप ये चीजें यूज कर सकते हो, एक्सेल के अंदर ग्रिड लाइंस होती हैं, ग्रिड लाइंस ये लाइंस ठीक है जी डब्बे, तो ये आपके एक्सेल के अंदर होते हैं ठीक है जी, तो आपके रेफरेंस, रेफरेंस में क्या होता है जी आपका एंड नोट होता है, आपका फुट नोट नेक्स्ट नोट होता है, एंड नोट होता है, फुट नोट होता है, यानी डिफरेंट टाइप के आपके जो है नोट्स आप दे सकते हो, एंड नोट यानी एंड पे होगा ठीक है जी, और जो है फुट नोट ये यानी कोई भी चीज है ना यहाँ पर देखना, अभी यहाँ पर आ जाएगा, मैं जैसे ही एंड नोट दूंगा ये देखें जी ये यहाँ पर आ गया, ये छोटा एक ये यहाँ पर अब मैं कोई नोट दे सकता हूँ
ये जी मैंने नोड दे दिया, ठीक है जी ये नोड दे दिया। अब मैं जैसे ये यहाँ पर क्लिक करूंगा जो ये जो है ना, नीचे हम इसका कोई रेफरेंस वगैरह दे सकते हैं, और नेक्स्ट नोट आपका बिल्कुल एंड पर होता है। ये जी आपका आ गया नेक्स्ट नोट, अब उसके मुतालिक कोई चीज बताओ, ठीक है जी अब उसके मुतालिक कोई चीज बताओ, ठीक है जी। तो इस तरीके से आप एंड नोट और शो नोट्स का भी ऑप्शन आपके पास इधर ही होता है, ठीक है जी। तो कंट्रोल जेड 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 जेड, ठीक है। एंड नोट फुट नोट के ऑप्शंस कहाँ पर अवेलेबल होते हैं जी, आपके रेफरेंस टैब में अवेलेबल होते हैं रेफरेंस। और बिब्लियोग्राफी, बिब्लियोग्राफी यानी जो आपने आप बायोग्राफी लिखना चाहते हो आप अपनी कोई चीज इस तरह के, तो वो भी वर्ड के अंदर ऑप्शन अवेलेबल है, और वो कहाँ पर अवेलेबल है, रेफरेंस टैब में है। रेफरेंस टैब में ऑप्शन आपका अवेलेबल है, क्रॉस रेफरेंस का भी ऑप्शन इधर अवेलेबल है, क्रॉस रेफरेंस का भी ऑप्शन इधर अवेलेबल है, और बस यही आया हुआ है इसमें से, ठीक है। इस टैब में आपने सिर्फ इतना कर लो तो बहुत है। एंड नोट यानी फुट नोट के ऑप्शन अवेलेबल है इधर, और साइटेशन और बिब्लियोग्राफी के ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है जी ये आपके अवेलेबल है। उसके बाद आपकी मेलिंग, मेलिंग के अंदर आपका मेल मर्ज होता है, एक ऑटो मेल मर्ज विजर्ड होता है, उसके अंदर कितने स्टेप होते हैं जी, 6 स्टेप होते हैं। कितने स्टेप होते हैं जी, 6 स्टेप होते हैं। ये इसके स्टेप हम देख लेते हैं, आप ये स्टेप याद रखिएगा। पहला स्टेप होता है लेटर, दूसरा ईमेल, तीसरा एनवेलप, चौथा लेबल, पांचवा डायरेक्टरी, और छठा क्या होता है जी, फिनिश। छठा क्या होता है जी, फिनिश। और ऑटोमेटिकली अगर करना चाहते हो तो ऑटोमेटिकली ऐसे करते हो, स्टेप बाय स्टेप मेल मेजर्ड, ठीक है। आपका सबसे पहले लेटर करेगा, फिर मैं नेक्स्ट करूंगा, तो आपका क्या कर रहा है जी, अब आपका वो दूसरा स्टेप कर रहा है, अब तीसरा स्टेप कर दिया, चौथा स्टेप कर दिया, ये कुछ ना कुछ करो जी, कह रहा है ये लो कर दिया जी, ये चवली बाज गई। चलो जी ये अगला करो, ये नेक्स्ट टाइप, ठीक है जी। कोई हमारे पास सही वाली फाइल, ये लो कनेक्ट टू डाटा होस्ट दे देते हैं, ये नेक्स्ट, नेक्स्ट, ओके। कर अस लॉगिन दो, इसको लॉगिन नहीं है हमारे पास। अच्छा इसके चौथा स्टेप आ जाएगा, फिर पांचवा स्टेप आ जाएगा, छठा स्टेप आ जाएगा, 6 स्टेप होते हैं टोटल इसके अंदर, और इनके स्टेप के नाम आपको, ये मेल मर्ज विजर्ड होता क्यों है, एक मेल को डिफरेंट लोगों को, एक से ज्यादा लोगों को भेजने के लिए आप क्या यूज करते हो, मेल मर्ज विजर्ड। और इसमें कितने ऑप्शन होते हैं जी, 6 ऑप्शन होते हैं, ठीक है जी। और पहला ऑप्शन क्या होता है जी, लेटर होता है जी, उसके बाद आपके पास क्या ईमेल मैसेजेस होते हैं, फिर उसको इनवेलप में बंद कर देते हैं, फिर उसके बाद लेबल कर देते हैं, फिर डायरेक्टरी और फिर फिनिश। और आप ऑटोमेटिकली कैसे करते हो, स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विद, इससे ऑटोमेटिक वो खुद करता जाएगा। इसे मैनुअली भी किया जा सकता है और इसको जो है ऑटोमेटिकली भी किया जा सकता है, ठीक है जी। अब इसको इनवेलप में बंद कर देते हैं, ये इनवेलप में बंद होना शुरू हो जाएगा, देखना एक इनवेलप सब बन जाएगा, चेक करना, ये इनवेलप, ये इस तरह का इनवेलप देख रहे हो जी, ये इनवेलप बन जाएगा, ठीक है जी। डिलीवरी एड्रेस दो, गुलगश्त मुल्तान, गुलगश्त मुल्तान, ये यानी मेल मर्ज, इसके अंदर ये भी ऑप्शन है, ये लो क्या, ई पोस्टेज प्रॉपर्टीज नहीं है मेरे पास, तो यानी इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसको लेबल भी दे सकते हो, इसको लेबल भी दे सकते हो, तो इस तरीके के डिफरेंट आइटम आप पेश कर सकते हो इसमें, ठीक है जी। तो स्टार्ट मेल मर्ज विजर्ड में इनवेलप की सूरत में, ये इसके क्या क्या क्वेश्चन है जी, एक होता है जी मेल मर्ज विजर्ड क्या करता है जी, आपका लेटर यानी एक डॉक्यूमेंट जो है आपने डिफरेंट लोगों को सेंड करने के लिए मेल मर्ज विजर्ड इस्तेमाल होता है। दूसरे नंबर पर एक ये ऑटोमेटिकली होता है और एक ये मैनुअली भी होता है, और इसके कितने स्टेप होते हैं जी, इसके 6 स्टेप होते हैं। इसमें क्या होता है जी, लेटर होता है, इनवेलप होता है, लेबल होता है, डायरेक्टरी होती है, मेल रिसिपिएंट होते हैं, ठीक है जी, और फिनिश होता है जी, ठीक है जी। तो इसके अंदर ये ऑप्शन, मेलिंग करना, मेल करना किसी को, यानी आप ईमेल सेंड करने का ऑप्शन भी आपका वर्ड में अवेलेबल है, ठीक है जी। और इसमें राइट एंड इंसर्ट फील्ड भी अवेलेबल है, उसके अंदर आप डिफरेंट टाइप की कुछ भी चीजें इंसर्ट करना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है। अब आखिर में आ गया आपका रिव्यू टैब, तो रिव्यू में आप एंड पे रिव्यू में क्या करते हो, यार स्पेलिंग चेक कर लूं, ग्रामर चेक कर लूं, तो F7 से होते हैं जी, ठीक है जी। फिर थिसारस क्या है, थिसारस आपका ये है कि उसके अंदर सिनोनिम और एंटोनिम, ठीक है जी। आप वर्ड काउंट करो, यार मेरा कितने वर्ड बन गए हैं, उसकी ट्रांसलेशन करनी है तो ट्रांसलेशन कर दो, उसे किसी और लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है तो वो कर दो। कोई कमेंट, कमेंट यहाँ पर भी अवेलेबल होते हैं आपके रिव्यू में भी, आपके कमेंट जो है वो अवेलेबल होते हैं रिव्यू में भी, आपके कमेंट अवेलेबल होते हैं। और आपके कहाँ पर कमेंट अवेलेबल थे, आपके इंसर्ट टैब में भी कमेंट अवेलेबल थे, ये बातें आपको पता होनी चाहिए जनाब,
वरना फिर जो है ना, और ये कैसे पता चलेंगी जनाब, ये वर्ड को खोलने से पता चलेंगी जनाब, ठीक है जी। सिर्फ और सिर्फ आधा घंटा दे दें जनाब, बस इंशाल्लाह आपका क्लियर हो जाएगा। वो कभी भी आपका कंप्यूटर में से एक लफ्ज भी गलत नहीं हुआ करेगा इंशाल्लाह। और आखिर में हमारा जो है कौन सा टैब है जी, आखिर में हमारे पास टैब है व्यू टैब, ठीक है जी। आखिर में हमारे पास कौन सा टैब है जी, व्यू टैब। व्यू टैब के अंदर हाँ ये जी, इसका क्या है आपका नॉर्मली बाय डिफॉल्ट क्या होता है जी, प्रिंट लेआउट। और आपके पास कितने व्यूज होते हैं टोटल, टोटल आपके पास 5 व्यूज होते हैं, ठीक है जी। और इन व्यूज का क्या क्या होता है, प्रिंट लेआउट में जिस तरह का आपका प्रिंट होना है, प्रिंट होकर आपके पेज की हार्ड फॉर्म में जैसे आना है, उसको क्या कहते हैं, प्रिंट लेआउट, ठीक है जी। रीड मोड को फुल स्क्रीन मोड भी कहते हैं, जैसे रीड मोड के ऊपर क्लिक करूंगा देखें जी क्या होगा, फुल स्क्रीन, ठीक है जी। इसको कैंसिल करना है, एस्केप का बटन दबा देता हूँ, ये हो गया जी, रीड मोड हो गया। अब वेब लेआउट व्यू, वेब लेआउट यानी वेबसाइट पर यार ये किस तरह का लगेगा, अगर मैं इसको वेबसाइट की सूरत में करूँ, ये देखो जी इस तरह से, ठीक है जी। वेबसाइट व्यू में आपका क्या होता है जी, वेबसाइट व्यू में जिस तरीके से वेब पेज पर वो नजर आएगा उस तरीके से। और ये क्वेश्चन है जी, ये पीपीएससी के क्वेश्चन है। तो आउटलाइन व्यू में क्या होता है, आपकी हेडिंग्स जो होती हैं वो एट वेरियस लेवल जो है एमएस वर्ड शो करना शुरू कर देता है। देखिएगा आउटलाइन व्यू जैसे करूंगा, ये देखें हेडिंग्स बनाकर एट वेरियस लेवल उसको शो कर रहा है आउटलाइन व्यू, ठीक है जी। और कंट्रोल आल्ट कंट्रोल ओ इसकी कमांड होती है, आल्ट कंट्रोल ओ और आल्ट कंट्रोल एन, ये चेंज कर दिया मैंने ड्राफ्ट व्यू, आल्ट कंट्रोल एन। ड्राफ्ट व्यू में सिर्फ और सिर्फ ये फर्क होता है, ड्राफ्ट व्यू में आपके हेडर और फुटर नहीं होते शो, ठीक है जी। ड्राफ्ट व्यू में कितना होता है ये आपको पता होना चाहिए, ड्राफ्ट व्यू में हेडर और फुटर जो है वो आपके शो नहीं होते, बाकी सारा का सारा ये प्रिंट जो लेआउट व्यू होता है ना उसकी तरह ही होता है, सेम जैसे आपका प्रिंट निकलेगा ये उसी तरह होता है। लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ इतना सा फर्क होता है कि इसमें जो है ना वो आपके हेडर और फुटर ऐड नहीं होते, ठीक है जी। और इसको ज्यादातर लोग प्रेफर करते हैं देखने के लिए, क्योंकि इसमें देखें आपको बड़ी स्क्रीन मिल रही होती है, ठीक है जी। तो आपका जो है कौन सा व्यू हो गया, आपके मेरे ख्याल व्यू सारे हो गए, हाँ जी व्यू सारे हो गए। आपको रूलर मैंने पहले बता दिया, ग्रिड लाइन पहले बता दी, नेविगेशन पेन भी होता है, जूम का भी ऑप्शन जी आपका इधर अवेलेबल होता है व्यू में, ठीक है जी। और जूम मैंने आपको पहले बता दिया, और इसमें आप स्प्लिट कर सकते हो, अरेंज कर सकते हो, यानी विंडो टैब, विंडो को दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हो, ये जो आपकी विंडो है उसको स्प्लिट कर सकते हो, देखो स्प्लिट कर दिया विंडो को दो हिस्सों में, ठीक है जी। अरेंज कर सकते हो डिफरेंट टाइप के आप इसमें फंक्शन, ये तीनों आपको पता होने चाहिए ऑप्शन किधर है जी। और आपके मल्टी पेजेस में भी आप इसको जो है ना वो कर सकते हो, ठीक है जी, मल्टी पेजेस में भी कर सकते हो, वन पेज में भी कर सकते हो, और पेज विड्थ के हिसाब से भी इसको सेट कर सकते हो, ठीक है जी, पेज विड्थ के हिसाब से भी। और अच्छा जी मैक्रोज क्या होते हैं, मैक्रोज होते हैं बेसिकली alt f4 इसकी कमांड, f8 इसकी कमांड है, मैक्रोज होते हैं। आप रिकॉर्ड कर लेते हो, यार मैं डेली इसको सेव करता हूँ, फिर ये करता हूँ, कुछ ऐसी चीजें जो आपने बार बार रूटीन में करनी होती हैं, तो आप पहले ही मैक्रोज को रिकॉर्ड करके रख लेते हो, सिर्फ उसके ऊपर डबल क्लिक किया और वो जितने भी आइटम है वो सारे के सारे पेश कर देता है जो आपने डेली रूटीन में करने होते हैं मैक्रोज में, ठीक है जी। मैक्रोज अवेलेबल कहाँ पर होते हैं जी, आपके मैक्रोज व्यू में अवेलेबल होते हैं। तो ये जी हमारा वर्ड था, आई होप आपको समझ आया होगा। तो आपको ये समझ तो आ गया, लेकिन आपको करने के लिए क्या है, आप अगर ये कहो कि मैं एक घंटे में ये आपको मैंने करवा दिया, नहीं, आपने इस तरह का एक एक घंटा आप अपने तौर पर भी लगाना है। हाँ आपको कंफ्यूजन है, कोई मसाइल है तो आप जो है वो मुझसे पूछ सकते हैं। तो लेकिन मेरा नहीं ख्याल आपको इंशाल्लाह कोई मसाइल होंगे ही। एक तो आपकी tutorialpoint.com वेबसाइट है, ठीक है जी, आप वहां से इसको देखेंगे, तो उसके अलावा जो है आप चीजों को इस तरीके से करेंगे। आई थिंक आपको समझ आ गई होगी, आपके कोई क्वेश्चन हो तो आई विल जो है ना आंसर दैट इंशाल्लाह। थैंक यू।